हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बिना उंगलियों किसी और के द्वारा सीटी कैसे बजाएं। तो मैं आज आपको अपने वीडियो के अंतर्गत ऐसे लोगों को ये चीज़ सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं, मुझसे पूछते हैं, मेरे कमेंट करते हैं मेरे चैनल पे कि सीटी कैसे बजाएं, जिनको कि उंगलियों के द्वारा या किसी और इंस्ट्रूमेंट के द्वारा वो सीटी नहीं बजाना आता। मैं आज आपको एक ऐसी विधि बताने जा रहा हूँ जिससे कोई भी इंसान सीटी बजा सकता है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक पेन लेना होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास ये पेन है, और उसकी कैप आप उससे निकालें और उसको इस तरीके से पकड़ें जैसे मैंने पकड़ा हुआ है, और उसके बाद उसको तो अपने नीचे वाले होंठ के पास लगाएं और मेरी तब सीटी बजाने के तरीके को ध्यान से देखिए। इस तरीके से आप लोग भी घर पे बजा सकते हैं, ये ऐसा करके देखिए ध्यान से। तो आपने देखा ये कैसा लगा आपको? ये आप घर पे करके अपने दोस्तों को भी सिखा सकते हैं और किसी को भी ये चीज़ दिखा सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी किसी के बीच में, क्योंकि बहुत लोग आप देखते हैं जो कि उंगलियों से ऐसे करके तो बजाते हैं, और कुछ लोग बिना इसका यूज़ करके बजाते हैं। लेकिन आप इस कैप के द्वारा भी आप सीटी बजा सकते हैं। एक बार और देखिए कैसे, कि आपको इस तरीके से ढक्कन को पकड़ना है कैप को पेन की, और उसके बाद अपने नीचे वाले होंठ के नीचे लगाना है और अपने ऊपर के होंठ को थोड़ा उसके ऊपर लेके आना है और ज़ोर से हवा में फेंकनी है ढक्कन से, कैप से, और उसके बाद ऐसी आवाज़ सुनाई देगी। तो मैं ये समझता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को द्वारा सीटी बजाना सीख गए होंगे। आप इसको घर पे ज़्यादा से ज़्यादा बार कोशिश करिए और इससे आपको सीटी बजाना आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड ट्राई इट होम। थैंक यू। इस तरीके से सीटी बजाने के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, जिनमें से एक फ़ायदा ये भी है कि घर पे छोटे बच्चे जो होते हैं उनके घर के ज़रूरी काम जैसे कि टॉयलेट और लेटरिन, इनमें यूज़ होती है। दोस्तों, इस तरीके से सीटी बजाने के बहुत सारे फायदे भी हैं, जैसे कि आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या बच्ची, लड़की या लड़का कोई भी हो, तो किसी के सामने या आपके सामने वो लेटरिन या टॉयलेट कर देता है तो आपको शर्मिंदगी महसूस होती है, और किसी के सामने या आप किसी दोस्त या फ्रेंड या किसी रिलेटिव की गोद में वो टॉयलेट कर देता है, पॉटी कर देता है, तो आपको शर्मिंदगी महसूस होती है कि ओह ये क्या कर दिया इसने, और बहुत सारी दिक्कतें महसूस होने लगती हैं। समाज में आपको हीन भावना आपके मन में घृषित हो जाती है। इसके लिए आप ये प्रयोग कर सकते हैं सीटी बजा के, कि अपने बच्चे को ये सिखाएं कि मतलब कि कहाँ पे किस जगह पे और कैसे ये लेटरिन या पोटी किस या टॉयलेट कहाँ कहाँ पे करना है, और इसकी सहायता से आप थोड़ा समाज में अपने आप को स्टेबल कर पाएंगे। कैसे? ये कि आप उस बच्चे के सामने टॉयलेट और लेटरिन जब उसके हो तो आप उसको ये चीज़ प्रयोग करके दिखाएं जो मैंने आपको अभी दिखाया, और उसके बाद आप धीरे धीरे बच्चा आपका ये सीटी वाली प्रयोग विधि से वो समझ जाएगा कि आप उसका इस्तेमाल लेटरिन और टॉयलेट का कहाँ कहाँ करना है। बस सिंपल है, आप घर पे करिए, होगा। और भी कुछ फ़ायदे हैं, जैसे कि आप कहीं पार्टी या फंक्शन में जाते हैं तो कहीं शादी पे शादी वादी हुई तो वहाँ पे दोस्तों के बीच में सीटी बजाते हैं लोग, आपके फ्रेंड, लेकिन आपको नहीं बजानी आती है तो आपको भी वहाँ इंसल्ट महसूस होती है। तो ऐसे में आपके पास जेब में एक छोटा सा पेन रखा हुआ बहुत काम की चीज़ होती है, वो आपका आपके काम आ सकता है। आप तुरंत उसकी कैप निकालिए और अपने होंठों के नीचे लगाइए, और उनमें से आप एक आप भी बन सकते हैं सीटी बजा के, और अपनी खुशी का इजहार करिए। और कैसे? खुशी का इजहार कैसे करेंगे, जैसे कि मैं आपको मैंने भी बताया, वैसे एक बार आप इस कैप को अपने होंठ के नीचे रखेंगे और जोर से हवा मारेंगे उस पे, और देखिए ऐसे, बस और फिर गाना गाइए, बस होठ घुमा सिटी बजा। उसके बाद गाना गाइए, होठ बजा सिटी बजा, बस भैया ऑल इज ऑल वेल, इज वेल। बस बस खुश। और भी फायदे हैं, जैसे कि आप कहीं किसी के बर्थडे पार्टी में जाते हैं या कहीं और भी आप अपने दोस्तों के बीच बैठे
होठ घुमा सीटी बजा के बोल भैया ऑल इज वेल। थैंक यू।